पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बक्सर में होगी मोदी मैजिक की असली परीक्षा, भीतर ही भीतर गेम सेट, नहीं चलेगा मोदी विरोध। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वेद सिंह, और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम महाभारत 2024 में। अगर बात की जाए बक्सर लोकसभा सीट की, तो वहाँ से जो 5 प्रत्याशी हमें नज़र आ रहे हैं, जिनके बीच में एक घमासान होने की आशंका नज़र आ रही है। जी हाँ, अगर बात की जाए आरजेडी से सुधाकर सिंह वहाँ पे प्रत्याशी के तौर पर हैं, बीजेपी से मिथिलेश तिवारी हैं और बीएसपी से अनिल सिंह, और अगर बात की जाए इंडिपेंडेंट से मतलब अन्य से, तो वहाँ ददन पहलवान और आनंद मिश्रा भी मैदान में उतरे हुए हैं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबा, और बाबा से हम जानेंगे अंदर की बात कि असल में किसका पलड़ा वहाँ भारी है और क्या होने जा रहा है। बाबा, पहले तो स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा, आखिर क्या लगता है, क्या समीकरण लगता है बक्सर से बीजेपी जीतते आ रही है? इस बार अगर बात की जाए तो चौकोनिया मुकाबला वहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, बक्सर की जब बात आप करते हैं ना, तो चाहे जितने भी समीकरण आप जोड़ लीजिए, लेकिन असल समीकरण वहाँ काम जो करता है ना, वो करता है फैक्टर जी, मोदी फैक्टर जी। हालांकि पिछले आप देख रहे हैं 2014 से वहाँ मोदी फैक्टर काम कर रहा है जी। अश्विनी चौबे को लेकर के कई बातें कही जा रही थी कि बाहरी हैं, ये हैं, वो हैं, इस तरह की बात है, नहीं जीत पाएंगे, हार जाएंगे जी। उसका 2019 में एक नया परसेप्शन आया कि नहीं, काम नहीं किए हैं, इनका तो ग्राफ बहुत डाउन हो गया है, ये हो गया है, वो इतनी सारी बातें हुई, लेकिन फिर भी जीत गए। बिल्कुल, मोदी फैक्टर वहाँ काम करता है, और मोदी फैक्टर काम करने के पीछे का कारण है कि अभी अभी और ये फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ जी। रामलला जैसे ही विराजमान हुए तो बक्सर को अपना पुराना दिन याद आ गया जी। बक्सर दो तीन बातों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, एक तो बक्सर के युद्ध के लिए जी, दूसरा राम के शिक्षा स्थली के जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी लोग जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसी बक्सर उसी में। और इस बार जो उम्मीदवार हैं जी, जो भाजपा से मिथिलेश तिवारी जी, उन्होंने कहा, कई बार उन्होंने कहा है कि मेरा नाम ही मिथिलेश है, तो फिर बक्सर हमको नहीं तो और किसको जी। दूसरा उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बनारस को एक नई पहचान दी है, मैं बक्सर को एक नई पहचान दूंगा, वरना इस्तीफा दे दूंगा जी। इन सारी बातों को लेकर के जो बाहरी भीतरी वाला मामला चल रहा था और जितनी भी चर्चाएं चल रही थी, सब पर विराम लग जाता है जी। और सभी मुद्दों पर विराम तब लग जाता है जब नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना हो जी। अब इसके आगे की हम कहानी शुरू करते हैं जी। आपने कहा कि चार चार पांच पांच ऐसे उम्मीदवार नजर आ रहे हैं जो कॉन्टेस्ट में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कॉन्टेस्ट में रहेंगे, लड़ाई होनी है, और जिस सीट पर सबसे ज्यादा जीत हार का मामला हो जी, और जहां थोड़ा सा 19-20 लगने लगे, वहां लोग दाव ज्यादा आजमाते हैं जी। कमजोर पर तो सबको ये दाव आजमाता है ना। यहां सबसे बड़ी बात है कि उम्मीदवार चेंज हुआ है जी, तो एक ये फैक्टर काम कर रहा है जी। सबको लग रहा है कि अरे उनको मिल गई तो हमको भी उम्मीदवारी मिल सकती है जी, वो आ गए तो हम भी जीत सकते हैं जी। इस बार जगदानंद सिंह जो 2009 में चुनाव जीते थे, उन्होंने अपने पुत्र को वहाँ से चुनाव लड़ाया है जी। जगदानंद सिंह काफ़ी फेमस भी हैं, और नीतीश कुमार के विरोध और नीतीश कुमार के साथ 36 के आंकड़े के कारण और ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं जी। हालांकि किसानों को लेकर के उनके प्रति बहुत सारा उनका काम चलते रहता है, किसानों को लेकर के बड़ा एग्रेसिव भी रहते हैं जी, कृषि मंत्री बने भी थे। लेकिन अब यहाँ जो फैक्टर की बात करें, तो सबसे पहला फैक्टर आप ददन पहलवान को लेकर के आए जी। ददन पहलवान 2019 में चुनाव नहीं लड़े थे जी, लेकिन 2014 में जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था जी, थोड़ा ही सा वोट उनका कम था जगदानंद सिंह से जी। इसके अलावे आप एक और नाम आया आनंद मिश्रा का, आनंद मिश्रा जी का। आनंद मिश्रा आईपीएस रहे हैं जी, असम कैडर के वहाँ काम किया है जी, और एक साफ सुथरी छवि वाले यंग लीडर के रूप में वो चाहते हैं कि अपने जिस तरह से उन्होंने सरकारी सेवा की, उसी तरह से अब समाज की सेवा करें, अपने बक्सर की सेवा करें जी। उसी क्षेत्र के रहने वाले भी हैं उनका, उनको लगता है कि टिकट उनको मिलना चाहिए था जी, लेकिन किसी कारणवश, या हो सकता है कि वो तत्काल आए हों, भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी नहीं है जी कि आइए और टिकट पाइए जी, ये भी हो सकता है।
बहुत सारे कारणों से उनको टिकट नहीं मिला, वो इंतजार में थे कि भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिल जाएगा जी, टिकट नहीं मिला, तो अब वो निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। गिने चुने या कहा जाए तो कुछ युवा उनके साथ खड़े हैं जी, जो काफ़ी एग्रेसिव हैं और जो दलीय प्रत्याशी हैं जी उनके विरुद्ध मुहिम चला रहे हैं जी। तीसरा अनिल सिंह, एक बिल्डर हैं जी, अपनी पार्टी चलाते थे, अब वो बसपा में अपनी पार्टी का विलय कर लिए हैं जी, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी, और वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ कुशवाहा फैक्टर भी काम करता है जी, बक्सर में निर्णायक भूमिका में रहता है। तो वो है, सुधाकर सिंह की चर्चा हमने की, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी की हो रही है तो वो मिथिलेश तिवारी साइलेंटली हो या फिर कैडर बेस हो जी। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, विरोध हो सकता है लेकिन उस विरोध के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट वहीं करना होगा जी। दूसरा, आप एक चीज़ तो समझ सकते हैं ना कि बक्सर में जो काम अधूरे रह गए हैं जी वो पूरा कौन करेगा? अगर केंद्र में कांग्रेस की या महागठबंधन की सरकार बनती जी तो कुछ सोचा जा सकता था कि हाँ भाई ये सरकार बनेगी तो हमारा क्षेत्र जो है विकसित होगा जी। लेकिन अब ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जो परिस्थितियां बनी है जी इंडिया गठबंधन की, आपस में क्लेश है, आपस में बहुत तालमेल नहीं है। उस तालमेल नहीं होने के कारण आप अपने वोट को जाया नहीं कर सकते जी, सबको ये पता चलता है और ये सारे चीज अंतिम दिन बदलते हैं जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नाराजगी जो अपनों से होती है ना वो क्षणिक होती है जी, अस्थाई नहीं होती। अपनों से नाराजगी, आपने कोई गलती किया, आपके पिताजी आपको कितना देर तक गुस्से रहेंगे, दो तड़ाक मार देंगे जी, दो ठो गाली सुना देंगे जी, कहेंगे घर से निकल जा, लेकिन क्या आप घर से निकल जाइएगा, आपको निकलने देंगे वो? नहीं, ऐसा संभव नहीं ना है। नहीं, परिवार में और लोग हैं जी जो समझाएंगे। मिथिलेश तिवारी के साथ भी यही हो रहा है। अश्विनी चौबे ने क्या किया है क्या नहीं किया है, उनसे नाराजगी लोगों को थी, यही कारण है कि पार्टी ने अश्विनी चौबे को साइड करके, हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है जी, लेकिन हो सकता है कि उनसे जितना चाहिए अपेक्षा थी उतना नहीं कर पाए, तो पार्टी ने एक युवा को वहाँ सेटल किया जो अपेक्षा के अनुरूप वहाँ के लोगों का काम कर सके जी। सबसे बड़ी बात है कि मिथिलेश तिवारी एक कैडर बेस्ड, जैसे अश्विनी चौबे के बारे में कहा जाता है कि वो भी एक कैडर बेस्ड लीडर थे जी, छात्र राजनीति से ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ अपना संबंध रखा था। इन सारी बातों के साथ साथ वो बक्सर में दो टर्म रहे जी, उन्होंने भी किसी को रिप्लेस किया था, लाल मुनि चौबे वहाँ के सिटिंग एमपी थे जिनको उन्होंने रिप्लेस किया था जी। तो इसमें गलत क्या है कि मिथिलेश तिवारी को पार्टी ने दिया है जी? अश्विनी चौबे की उम्र भी हो गई है, अश्विनी चौबे के लिए और भी कई रास्ते हैं जिसको खोज रही है। हाल फिलहाल में अश्विनी चौबे ने राज्यपाल से मुलाकात किया जी, नीतीश कुमार से मुलाकात किया, उनकी सारी नाराजगी जो थी, होता है क्षणिक तो सबको होता है जी। अब आप परीक्षा में गए हैं, आप उम्मीद करके गए हैं कि फर्स्ट करेंगे जी, और आप सेकंड डिवीजन से पास किया तो रिजल्ट फाड़ नहीं ना दीजिएगा जी, तुरंत झटका लगता है कि अरे हम तो फर्स्ट लाइक लिखे थे लेकिन सेकंड आ गए जी, तो उसको एक्सेप्ट करता है आदमी। अश्विनी चौबे ने भी एक्सेप्ट किया कि पार्टी का निर्णय, उन्होंने स्पष्ट कहा है, अब उस बात को लोग गलत ढंग से पेश कर रहे हैं कि अश्विनी चौबे नाराज हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यहाँ तक चलाया गया था कि उनको आरजेडी से टिकट भी मिल रहा है जी, लेकिन ये सारी बातें अफवाह थी, अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल, ये क्षणिक बातें हैं, असल बात यह है कि ये लड़ाई जो है दो धुरी पर अटकी हुई है जी। हालांकि यहाँ एक कोण बदल जरूर रहा है, ददन पहलवान यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जिनका अपना एक वोट बैंक है जी। यहाँ अगर वोट बैंक की बात करें तो यहाँ 6 विधानसभाएं हैं, 6 विधानसभा में बक्सर में जो आप 6 विधानसभा की बात करें तो इसमें ब्रह्मपुर है, डुमराव है, बक्सर है, राजपुर है, इसके अलावे एक और इसमें अलग जो जुड़ता है वो ये जुड़ता है कि यह यूपी का बॉर्डर है जी, और यूपी के कई जिले इससे सटे हुए हैं जी, जो सीधे यूपी में प्रवेश करता है, बक्सर से ही यूपी में प्रवेश करने का रास्ता है जी। तो इन सब बातों को लेकर के भी वहाँ प्रभावित होता है। 6 विधानसभा में जो बक्सर जिला में है वो 4 हैं जी, कैमूर में 1 है और रामगढ़ में 1, रोहतास में, रामगढ़ है और रोहतास में 1 है, 1 है, यानी कि 3 जिला मिला करके बक्सर बना है जी। तो ऐसी स्थिति में तीनों जिला के लोगों को जोड़ना भी एक बड़ा काम है। इसमें कितना सफल होते हैं ये देखने वाली बात होगी। यहाँ राजपूत हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं जी, यादव हैं, ये यहाँ के चुनावी फैक्टर होते हैं जी।
यानी सवर्णों का एक हिस्सा अलग है और इसके अलावे जो ईबीसी ओबीसी हैं उनका एक हिस्सा अलग है, लेकिन पिछड़ा वर्ग का एक पिछड़ा वर्ग का है, अति पिछड़ा वर्ग का है। इसमें यादव और कोयरी कुर्मी जो है ना उनका एक अलग वोट बैंक है, अहम फैक्टर है। अब इसमें एमओआई समीकरण यहाँ कितना काम करेगा ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि एमओआई समीकरण का यहाँ बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। यादवों में आप जैसे ही दमन पहलवान का नाम लीजिएगा तो निश्चित रूप से वोट काट करके ले जाएंगे, बिल्कुल। दूसरी तरफ से राजपूतों की बात करें तो राजपूत कितना इत्तेफाक रखते हैं सुधाकर सिंह से, ये सबसे बड़ी बात है। क्या वो राम लहर राम के नाव पर सवार होंगे या फिर सुधाकर सिंह के नाव पर सवार होंगे, विकल्प उनके पास है। संभावना ज़्यादा है कि हिंदुत्व वाला वोट जो है वो कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला है। ब्राह्मण को वोट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मणों की संख्या भी कम है, आप जानते हैं कि ब्राह्मण 40 में से एक आधे दो सीट उनको मिलता है जी, तो निश्चित रूप से एक मौका बनता है ब्राह्मणों को ऊपर लाने का जी। तो अंततः सेंटीमेंट जो है जैसे अश्विनी चौबे के लिए लोगों के मन में होता था ब्राह्मण समाज को कि भाई हमारा समाज जो है प्रतिनिधित्व विहीन हो जाएगा, तो मजबूरी है लोगों को चुनना अपने समाज का, क्योंकि सब कुछ जाति पाति कर रहा है, बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में ये सारा सब कुछ जो नजर आ रहा है उसमें अब तक जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से 6 बार यहाँ से जीत करके आई है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें लालमुनि चौबे का भी इसमें रिकॉर्ड है, इसमें रामानंद तिवारी भी जीत करके आए हैं, जगदानंद सिंह जीते हैं, कांग्रेस भी यहाँ से 6-7 बार जीती है, मतलब लालमुनि चौबे 4 बार यहाँ से लगातार बीजेपी जीतते आ रही है बक्सर, बिल्कुल 4 बार तो लालमुनि चौबे जीते हैं, 2009 में हार गए थे जी, उसके बाद 2014 में अश्विनी चौबे आए वो 2 बार जीते जी, तो 6 बार हो गया। इसके अलावा तेज नारायण सीपीआई से 2 बार जीते, केके तिवारी 2 बार जीते हैं कांग्रेस से, रामन तिवारी जनता पार्टी से 1 बार जीत करके आए हैं। कांग्रेस के अन्य जो हैं उनमें से एपी शर्मा है वो 2 बार जीते हैं, राम सुभग सिंह 1 बार जीते हैं और 1 बार जगदानंद सिंह जीते हैं जी। इस बार उनके पुत्र जो हैं उनके परिवार में बहुत तरह का चल रहा है झमेला जी, उनके परिवार सुधाकर सिंह के जो चचेरे भाई हैं जी वो भी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके पिता की ही सीट पर कभी जगदानंद सिंह लड़े थे चुनाव। तो ये सारा फैक्टर मिला जुला करके घुमा फिरा करके अगर आता है तो चुनाव के आते आते, चूंकि 7वें चरण में अंतिम चरण में चुनाव है, 1 तारीख को वहाँ चुनाव होना है, उससे पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी और तब तक माहौल जो है कितना बदलता है और कितना बदलने में सक्षम होते हैं इस पर अभी भी संशय है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो बिहार दौरा हो रहा है जी वो परिस्थितियों को बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है जी, और ये बात उनके विरोधी भी समझने लगे हैं जी। यही कारण है कि बक्सर का जो बैटल है वो बैटल कहीं ना कहीं एक दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है और नरेंद्र मोदी के मोदी मैजिक का यहाँ परीक्षा भी होना है जी, क्योंकि यहाँ आप समझ सकते हैं कि उनके विरोधियों की संख्या ज़्यादा है जी, लेकिन एक वहाँ जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि बक्सर को वाराणसी बनाने का ख्वाब जो मिथिलेश तिवारी ने देखा है, और दूसरा राम मंदिर एक बड़ा, राम से जुड़ा एक बड़ा फैक्टर राम से जुड़ा हुआ होना इस क्षेत्र का, यह भी एक बड़ा फैक्टर है। रहा सवाल अश्विनी चौबे का, तो निश्चित रूप से अश्विनी चौबे अंततः आशीर्वाद देने मिथिलेश तिवारी को जाएंगे ऐसा प्रतीत होता है। तो जानकारी के लिए धन्यवाद बाबा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बाबा ने कितने अच्छे तरह से बक्सर लोकसभा सीट के बारे में बताया कि वहां से जो 5 उम्मीदवार हैं उनके बीच में किस तरह से एक कड़ी लड़ाई होने की संभावना है, और अगर बात की जाए पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो लगातार वहां से बीजेपी जीतते आ रही है, लेकिन इस बार क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो लगातार बिहार का दौरा है तो क्या इस तरह से फिर से कोई मोदी का मैजिक फिर से देखने के लिए नज़र आएगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।